हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड सुच्ची प्रदीप। तो आज ऑफिशियली सुच्ची प्रदीप का एक घर हो चुका है, जिस वीडियो के थ्रू आप लोग हमारा होम टूर देखेंगे, है ना। हम अपने पति को बोलने नहीं देते, तो आज हम चाहते हैं कि ये पूरा होम टूर मेरे पति देव कराए। होम टूर तो यही कराएंगे। नहीं, क्यों, जब हम बोलने नहीं देते तो बोलिए, आप बोलिए। कितनी मुश्किलों से हुआ है? मुश्किलों से तो बहुत हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बेंगलोर में घर हमारा हो गया। और अच्छी बात है कि चलो एटलीस्ट एक तो घर हो गया हमारा, बेंगलोर के निवासी हो गए हम लोग, लेकिन घर से जुड़े रहेंगे हमेशा। अब बोलो। हाँ, आओ लड्डू। लड्डू के बाद बोलेंगे, बोलो तब मैं बोलूँगी। ठीक है लड्डू, अब अपना सेंटेंस कंप्लीट करके तब बोलेंगे। सो गाइस, जिन लोगों को लगता है कि बेंगलोर नहीं है, ये एक गाँव है, तो ऐसा तो ऐसा नहीं है, ये गांव बोल सकते, चलो बोलो आप लोग, लेकिन बैंगलोर का रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके पीछे यहाँ पे शोभा की प्रॉपर्टी आने वाली है, तो कुछ दिन बाद आप लोग खुद ही बोलेंगे। और वैसे भी बैंगलोर भी किसी टाइम पे एक गांव हुआ करता था, तब जाके वो बैंगलोर एक सिटी बना। और सब जगह पहले गाँव से ही स्टार्ट होता है भाई, उसके बाद ही वो आगे डेवलप होता है। एंड आई होप कि आप लोग इतना प्रे करो कि जल्दी से यहाँ पे अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने वाला है, तो जल्दी से वो भी हो जाए हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिलहाल हमारा हाउस नंबर है 27, और इसमें और भी 27-30 लोग ऐसे हैं जो गांव में बसे हुए हैं। तो हम लोगों का छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट हाँ, हम लोगों का बहुत बड़ा सा ड्रीम का एक छोटा सा घर ये हमारा आपके सामने है, जिसका कलर हमने रखा है वाइट एंड ग्रे के टोन में, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा क्रीमिश भी था, लेकिन जो हमने चेंज करा दिया है, नहीं क्रीम कलर चेंज करा के हमने वाइट ही कर दिया है वापस उस पर। और ये है स्मोकी ग्रे, जो कि अभी नाइट है, तो हम लोग अभी फिनिशिंग हुआ है, मेरा काम ख़त्म हुआ है, तो अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं व्लॉग। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है ये है साउथ नॉर्थ ईस्ट के फेसिंग में, एक तरफ से नॉर्थ फेसिंग है और जिस साइड से हम लोग खड़े हैं वो ईस्ट फेसिंग है, यानी सूरज भगवान इधर से उगेंगे, तो ईस्ट की फेसिंग है, सुबह सुबह इधर से ही सूरज भगवान जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चलिए जल्दी आ जाते हैं, ये हमारा ड्रेनेज का वो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं अपना नेम प्लेट यहाँ पे। और ये हमारा कुछ डिज़ाइन है, वहाँ से जो है वो हम लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे दिखा देंगे। फिलहाल ये हमने कुछ ग्रे और वाइट में टोन में रखा है। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन का सिंगल डोर है, आ जाइए, ये इस डायरेक्शन का सिंगल डोर है, और बाकी ये कार पार्किंग के लिए डबल डोर है। तो बहुत जल्दी इधर का डोर खुलने वाला है और कार अंदर आएगी, बस आप लोग प्रे करो जल्दी जल्दी। फिलहाल ये है हमारा कार पार्किंग, इसका व्यू कुछ ऐसा है। और ये जो कोलाइट है, कोलाइट में कहीं ना कहीं कारीगरी प्रिंस की भी है, और हेल्प किया प्रिंस ने मुझे ये ब्लू सेलेक्ट करने में, अदरवाइज मैं इसको ऑफ, मतलब ये वार्म वाइट ही सेलेक्ट करती, यानी कि थोड़ा येलोइश टोन। तो ये हमारा कुछ सीलिंग है, जो कि अभी भी इस पर पेंट होना है, वुडन पेंट टेक्सचर होगा। बाकी यहाँ पे दो वो दिए हुए हैं, हम लोग इसमें लाइट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर झूला लगाऊंगी आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अब हम लोग शिफ्ट हो जा करें। इधर से जाती है जीने बोलते हैं, जो छत की सीढ़ी, यहाँ पे हमारी छत की सीढ़ी। और इधर से जो है ये हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ वॉशिंग मशीन लगाया है। और अब आपको ब्लॉग में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देगा, मतलब हर ब्लॉग में, क्योंकि हमारा एकदम ऑन रोड है, तो गाड़ियाँ आते जाते रहेंगी, और पहला घर है हमारा। तो इधर वॉशिंग एरिया है और वॉकेबल है, तो मशीन हमने इसमें फिट किया, सिलेंडर इसी में फिट हुआ है, और इन्वर्टर का कनेक्शन भी इसमें ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा। ये हमारा मीटर बोर्ड है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले चुका है, ले लिया है। ये हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ हम कार पार्किंग करके, यहाँ मतलब शुरेक टाइप बना, एक ही वीडियो लेनी है कि इसको कट करके दूसरी लो? नहीं, एक ही वीडियो। यहाँ पर हम लोग कुछ सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, या शुरेक वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि कार पार्किंग और बाइक आराम से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ हमारा खुद का बोरवेल है, जो कि आज पूरे अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारा टैंक है, जो कि फिल होता है अंडरग्राउंड वाटर, और यहाँ से बोरवेल वाला जाता है। और हमारा एक टैंक ऊपर है, जो कि हमारे नॉर्थ साइड में हम लोग टैंक से यूज़ करते हैं। लेटो पीछे हो जाओ, जिसमें हम लोग को लगाना है लॉक, जो कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। फिलहाल ये हमारा सम्प है, जिसमें
पानी जाएगा। तो यहाँ पानी जाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा खुद का वो है, इसको साफ करवाना पड़ेगा। हाँ, ये क्लीनिंग होगी। लेटो नहीं कर रहा। तो चलिए इधर भी साइड में रोड है। खाना है ये, हमारा खाना है, आके वेट हो रहा है। पहले मैं वेट कर दी गाइस, आपको पता चलेगा क्यों वेट कर रहे वो अगले ब्लॉग में। यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं अंदर। हमारा जो एंट्री गेट है वो कुछ ऐसा है जो हमने सेलेक्ट किया है। इस पे कुछ ऐसे गोल्डन उसमें टेक्सचर हमने सेलेक्ट किया है। इसका जो आउटर लुक है कुछ ऐसा है जो कि बहुत मेहनत से हमने सेलेक्ट किया है। मैंने ही सेलेक्ट किया है इसको, क्योंकि आप थे भैया, आंसरी भैया। और इसका जो अंदर का भी कलर है ना, ये भी मैंने खुद सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा था वाइट, बट पेंटर ने सजेस्ट किया कि दीदी आप ये कलर लो। तो यहाँ पे ये हमने रखा है हॉल का कलर, एक बेस। अभी आपको इसमें कुछ तो बाकी दिख रहा है जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाए। यहाँ एक विंडो है जो कि इस साइड रोड के साइड में, और ये हमारे कार पार्किंग के साइड में। तो ये छोटू सा एक हॉल है हमारा, उतना भी छोटा नहीं है, बट हाँ है हमारे लिए काफ़ी। और हॉल से आप जैसे आते हैं सीधे आपको मिलता है किचन, जो कि किचन में दिखा देते हैं। एंड हाँ गाइस, कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट नहीं किए। वंस हम लोग रहना स्टार्ट करेंगे तो इसका लुक जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा टीवी यूनिट है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ फ्रेम्स वगैरह पहले के ही हैं, कुछ भी नया नहीं किया हमने, फ्रेम्स वगैरह सब पुराना ही लगाया है। धीरे धीरे जब हम रहना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ों को चेंज करेंगे। टीवी हमारी पुरानी है जो रेंटेड में हम रहते थे। यहाँ पे कुछ लुक है ऐसा, पैनलिंग किया हुआ है डोर का। और यहाँ हमारा किचन है जो कि आपको हॉस्टल दिख रहा है, क्योंकि अभी जो भी ऑर्डर करके खाए हैं और हम टिफिन बना के जो लाते हैं वो टिफिन है। यहाँ प्लेट्स वगैरह है। यहाँ हमारा मेटल आर्ट है जो आप लोगों ने देखा है। और ये किचन का कुछ कलर ऐसा है वाइट एंड ग्रे के थीम में। और वॉल हमने रखा है ब्लू, क्योंकि एक तरफ डार्क होना चाहिए और बाकी सब लाइट है तो थोड़ा बड़ा दिखता है। यहाँ हमें एक वॉश एरिया मिल रहा है, तो यहाँ मैंने बेसिन फिट कराया। ये हमारा पूजा रूम है जिसमें काम अभी थोड़ा बाकी है। इसका बेल वगैरह निकला है जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएंगे। आई होप कि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा होगा। यहाँ हमने लगाया है लाइट, और इसकी सीलिंग कुछ ऐसी है, और यहाँ पे लाइट्स दिखाते हैं कैसे है। और हॉल की हमने दिखाई नहीं, ये कुछ ऐसी लाइट है इसकी। और हॉल की भी दिखा देते हैं कि हॉल का पूरा लुक कैसा आ रहा है। तो ये हॉल कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। आई होप कि व्लॉग ज्यादा लंबा नहीं जा रहा। तो इसको करेंगे यहीं पे एंड। टिल देन कंटिन्यू वॉचिंग। और बाकी का जो दो पार्ट है वो आपको, बाकी का जो एक और पार्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। शायद इस व्लॉग में मम्मी, प्रिंस और भी कोई हो सकता है। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और
बहुत जल्दी मिलती हूँ सुन। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जल्दी से ग्रो कराइए 100K और 100,000 हो जाए जल्दी से, हमारी फैमिली खूब ज्यादा बड़ी हो जाए, फिर हम लोग फिर से करेंगे कुछ बड़ा सा सेलिब्रेशन। लड्डू भी यहाँ आ गया अपने बाबा के साथ, तो फिलहाल अभी हम लोग को लगी है भूख तो जा रहे हैं हम लोग खाने। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।